तो अभी मैं आपको वो मठ दिखाने लेके जा रहा हूँ जो इंडियन मठ है। ये उस मठ का दरवाजा है। अंदर एंट्री ले लिए हैं, अब उसके बाद हम आगे जाएंगे। अंदर पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे कैसे मठ दिखता है। तो आप अब जो ये मूर्तियाँ देख रहे हैं अभी, तो ये मूर्तियाँ रियल इतने ही बड़े लोगों की है, ये उनको देख के ही बनाई गई हैं। तो ये जो पहले बैठे हैं यहाँ पर, जयमनाथ जी, अमृतनाथ जी, और वो सामने किशननाथ जी, और ये हैं हमारे भानीनाथ जी। तो ये भानीनाथ जी बाबा जी जो सबसे यहाँ प्रसिद्ध बाबा जी रहे। तो अभी तक आपने जितनी भी वो मूर्तियाँ देखी थी मंदिर में, भी मूर्तियाँ देखी, सभी की सभी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई है, जिनकी खुद की आमूर्ति लगी हुई है। तो जितनी भी आपने तस्वीरें देखी मेरे ब्लॉग में, जितनी भी आपने बाबा जी या मैंने जितने भी साधु और संतों के नाम बताए हैं, संत जितने भी हैं, तो जितनी भी उनकी मूर्तियाँ हैं रियल में इन्होंने बनाई है। मैं प्रजापत जी, तो आप इनकी जो ठीक से आप देख लीजिए, नाम प्रजापत है, आपको दिखाने के लिए मैं इधर हूँ। ये देखिए, तो ये यहाँ से पानी निकालने का रास्ता है, और ये पीछे कुआं। तो ये तस्वीर है भानीनाथ जी बाबा जी। तो आज तक आपको लगा होगा कि सिर्फ चाइनीज मोंग के ही यहाँ पे मठ होते हैं चाइना में, हमारे इंडियंस भी मठ हैं अगर आपको पता हो तो। राजस्थान में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मठ मिलेंगे आपको, तो कभी आओ तो यहाँ घूम के जरूर जाना। जैसे पानी से कमी से लड़ने के लिए पहले से पूरी फंसी दी थी, एक कुंड है इसके नीचे, तो अभी इसके नीचे पानी पूरा स्टोर हो जाता है। और ये बाबा जी का पुराना रसोई घर, पिलर की कहानी भी बता देता हूँ। तो आप जो ये नॉर्मल सभी पिलर देख रहे हैं, जो मेरे पीछे पिलर देख रहे हैं, जितने भी पिलर्स हैं, ये मेरे पीछे कितने पिलर होंगे इस मंदिर के अंदर, जहाँ आज के टाइम में जैसे मैं, मेरा 50-60 किलो वजन उठाना भी इतना मुश्किल होता है कि मुझे लगता है पता नहीं मैं कितना वेट उठा रहा हूँ। तो आप यकीन कर सकते हैं ये 300 किलो के पिलर, ये हाइट देख लीजिए कितनी है, ये इतने लंबे पिलर उन्होंने उठाए थे उस टाइम। एक पिलर नॉर्मली 300 किलो का होगा, और ये जो बाबा जी हैं जिनकी मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई थी, इन्होंने दो दो पिलर इतने ईजिली उठा लिए जो उनके लिए कुछ भी नहीं था। 300 किलो का एक पिलर और दो पिलर, माने 600 किलो का वज़न इन्होंने बड़ा इजीली उठा लिया, और ये सारे मंदिर में इन्होंने पिलर स्थापित किए। तो ये था द्वारकानाथ जी महाराज, जिनके मैं बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस पेड़ को देख के आपको लग रहा होगा कि आज कल या एक हफ्ते के अंदर इसकी कटाई हुई है, क्या आप यकीन करेंगे कि कम से कम 50 साल पहले इसकी कटाई की थी। ये संध्यानाथ जी बाबा जी, तो ये है द्वारकानाथ जी जो पीछे आपको दिख रहे हैं वो बाबा जी, ये द्वारकानाथ जी हैं। ऐसी तस्वीर आपको दिख रही है, ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई भी दिया करते थे, ऐसा ही इनका शरीर था, ऐसा ही इनका फेस था, तो इनको देखकर ही बनाया गया है। इनके सामने अगर आप मेरी हाइट देखो तो इनके कंधे के बराबर भी शायद मुश्किल आऊँ, और इनके आधे फेस जितना शायद मेरा फेस होगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो बाबा जी यहाँ आज से पहले रहे हैं, जो उन सभी की समाधियाँ हैं, ये धुना श्री बाबा गोरखनाथ जी का धुना है। ये आपको पूरा मठ का व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये नगाड़ा देखिए कितना बड़ा है। तो अभी मैंने पास में जगह दिखाई कि इसकी सामने मेरी हाइट कितनी दिख रही है, तो लिटरली इतना बड़ा नगाड़ा है यहाँ पे। तो आगे ही आगे तस्वीर दिखाता हूँ कैसी है। ये मठ कुछ अलग ही था, मुझे शायद लगता है कि इंडिया में कम ही लोगों को पता होगा इंडियन संतों के जो मठ हैं वो कहाँ होंगे।
तो ये जो राजस्थान का जिला है, चूरू जिले के अंदर है ये मठ है। जो अभी तक अपने आपको सारा ब्लॉक दिखा दिया, अब आगे का ब्लॉक हम आपको फिर नेक्स्ट टाइम में दिखाएंगे।